गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व पर मंगलवार को बैठमा के प्रसिद्ध बावड़ी साहेब गुरुद्वारा एवं चरण पादुका गुरुद्वारा साहेब में श्रद्धालुओं का मेला लगा, जहां दूर दूर से आए मन्नतधारियों का तांता देर शाम तक लगा रहा। साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपना मत्था टेका और अरदास कर लंगर चखा। वहीं इस अवसर पर नगर में प्रभात फेरी भी निकाली गई, जिसका जगह जगह पर मंचों से स्वागत किया गया। गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है और 10 सिख गुरुओं में से पहले और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती का प्रतीक है। गुरु नानक जयंती हर साल कार्तिक पूर्णिमा की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस त्यौहार को दुनिया भर में सिखों द्वारा अत्यंत प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। बैठमा के पुरातन गुरुद्वारे का इतिहास 503 वर्ष से भी अधिक पुराना बताया जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि बैठमा नगर भाग्यशाली है, जहां सिख समाज के प्रथम श्री गुरु नानक देव जी का आगमन हुआ था। धर्म गुरुओं के प्रकाश से आलोकित बैठमा नगर धन्य हुआ, जहां गुरुओं के चरण कमल इस धरती पर पड़े। पुरातन ग्रंथ तवारीख गुरु खालसा के अनुसार गुरु नानक देव जी यहां 6 महीने तक रुके थे। जब उन्होंने यहां शांति का संदेश दिया था, आसपास के क्षेत्र में होने वाली लूटपाट की घटनाओं के आक्रांताओं को शांति का संदेश देकर क्षेत्र में मीठे के पानी की समस्या को देखते हुए खारे पानी को मीठा किया था, जिसका उपयोग आज भी नगरवासी करते हैं। यहां दूर दूर से श्रद्धालु हर पूर्णिमा और अमावस्या को दर्शन करने आते हैं। बैठमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। गुरुपर्व के दिनों में और अमावस और पूर्णिमा पर यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी होती है, फिर उसका श्रेय जो है गुरुद्वारे को देते हैं। हमें बहुत आनंद आता है, मन में शांति मिलती है और जो भी कार्य शुरू करना हो तो भी यहाँ पर आते हैं और मनोकामना पूरी होने पर फिर जो मन्नत मानते हैं उसमें फिर यहाँ पर भेंट चढ़ाते हैं। वाहेगुरु का मतलब था वाहेगुरु। यह है पहले पातशाही धरतल श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब अपने दक्षिण की यात्रा पे थे तो गुरुद्वारा इमली साहेब से होते हुए गुरुद्वारा बैठमा साहेब, जो कि आप यह सुशोभित मान है स्थान गुरु जी का बॉडी साहब, जब गुरु जी यहाँ कुछ समय रह के इस बॉडी का पानी बहुत खारा था, जो गुरु जी ने पानी मीठा करा और कई संतों को यहाँ दर्शन दे के उपदेश दिए, जो पांच पूर्णमासियाँ जो भी सिख थी यहाँ आए और अपनी हर अपने दुख कट्टे जाएंगे, अपनी मुरादें पूरी करके जाएंगे। तो ये स्थान सबसे पूर्ण मासी पे गुरु नानक देव जी महाराज जी के यहाँ पर संगतें घूम घुमा के आती हैं और अपनी मुरादें पूरी होती हैं। ये पवित्र स्थान सुशोभित मान श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का स्थान है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।